ऐसा मानसिकता रहेगा वहाँ का समाज का भी बच्चा तो उसी वही चीज में सीखेगा। इसलिए इनको कोई अच्छा से कड़ी सजा दिया जाए इनको। ये तो समाज को बांटने वाला काम कर रहे हैं, तो बच्चा को शिक्षा नहीं दे रहे, बच्चा को भाई क्या बतावे, अभी कुछ कहने के लिए इनके पास कोई शब्द ही नहीं बचा। उत्कल ग्रामर पढ़ाया बोले क्या हनुमान जी मुस्लिम है, राम जी ने उर्दू पढ़ाया था, राम जी हनुमान जी को उर्दू पढ़ाया था। अच्छा और बोले हनुमान जी, हनुमान जी कौन मास्टर साहब पढ़ाते हैं? हनुमान जी मूर्ख है, वो पूरा पर्वत ठग ले आए और हनुमान जी गाली देते हैं। गाली देते हैं हनुमान जी? कौन सा गाली दिए थे? नहीं बोलता है और बोलता है हनुमान जी पूरा मूर्ख है और नहीं उसने में पूरा होता है। जादिन सर बोले थे क्या कि हनुमान मुसलमान है और हनुमान पहली बार नमाज पढ़े थे, राम जी ने हनुमान को नमाज पढ़ाया। क्या क्या बोलते हैं वो? कल ही ना जो दिन सर आए थे हमारे क्लास में इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने के लिए, और वो हम लोग हाइपन पढ़ा रहे थे, उसी में सर बोले कि अलग अलग सेंटेंसेस बोलने के लिए इसमें हम हाइपन लगा सके, तो हम हनुमान बोले और सर उसमें हाइपन लगाए। फिर बोले क्या, हम लोग जानते हो हनुमान जी हिंदू धर्म के वैसे पहले हैं जिनको जिन्होंने पहली बार नमाज पढ़ा था, उनको राम जी ने नमाज पढ़वाया था। सप्तम भर की छात्र को यही पढ़ाया गया था कि हनुमान जी मुस्लिम के वंशज हैं, हनुमान जी और राम जी को मुस्लिमों ने मैंने नमाज पढ़ने के लिए सिखाया गया था, यही सब हमको मैंने जानकारी। किसने बताया आपको? हम लोग को बच्चे लोग ने बताया, इसलिए हम लोग स्कूल पढ़ाए। जो मास्टर साहब जो ये बात पढ़ाए थे वो मास्टर साहब स्कूल छोड़ के भाग चुके थे, मैंने हम लोग के एक घंटा का इंतजार करने के बाद वो मास्टर साहब यहाँ पहुँचे हैं। हम यही चाहते हैं इनका ट्रांसफर होकर दूसरे स्कूल में, इस स्कूल से इनको निकाल दिया जाए, जिससे बच्चा में बहुत दोष है भी है, और बच्चा अपने घर पे जाते हैं तो मतलब अपने गार्जियन को बोला बताए तो हम लोग यहाँ पर आए। ये कहते हैं कि गंगा मैया ऐसा है कि अगर गंगा मैया में अथी होता तो गंगा मैया डूबते हुए को बचा नहीं लेते, गंगा मैया हुआ कुछ नहीं है, इस टाइप से सर बोलते हैं। सर जो भी भूल चुक हुई है उनको समाज के सामने समझते मान लिए हैं, समाज उनको माफ कर दे, इसको आइंदा भी ऐसी गलती नहीं होगी। क्या सर पढ़ाई जा रही थी आपके द्वारा? हम तो पढ़ा रहे थे सर, ग्रामीण पढ़ा रहे थे। जियाउद्दीन सर ने ऐसा बोला है हनुमान जी मुसलमान थे, वो नमाज पढ़ते थे, मुसलम इमाम था उनके पास में, हम यही बात बोले थे सर, और राम जी के जो भी बात मतलब बोलते थे वो काम करते थे, यही बात हम बोले थे, उनके पास मुसलम इमान था। हनुमान जी नमाज पढ़ते थे ये बात कहाँ से आई? हनुमान जी नमाज पढ़ते थे ऐसी बातें आपने बच्चों को कैसे बताई, कहाँ इसका प्रमाण है? हनुमान जी नमाज पढ़ते थे ये बात सब नहीं है। फिर आप रियलाइज करते हैं आपसे गलती हुई? हमसे गलती हुई तो हम तो समाज के सामने माफी मांग लिए हैं सर, कब से गलती हुई।